ब्यूटीफुल ना, एकदम परफेक्ट इंतजाम है ये। बस अब जल्दी से दोनों बच्चे वापस आ जाएं। हाँ श्वेता जी, भगवान करे आज सब कुछ बस ठीक ठाक हो जाए। भगवान ना सब कुछ ठीक ठाक ही करेंगे, आई नो इट फॉर श्योर। और आपको पता है जूही ऐसी लड़की नहीं है, इतना तो भरोसा है मुझे उस पर कि वो आज इस पार्टी को खराब नहीं करेगी। अवनी, मेरा पास वाले मंदिर जाने का बहुत मन कर रहा है, कुछ देर अकेले रहूंगी तो बेटर फील करूंगी। क्यों जूही, तुम अंदर चलो ना वहां से। नहीं अवनी, आज तुम दोनों का बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, मेरा वहां होना ठीक नहीं होगा। जूही प्लीज, ऐसी बात नहीं है। नहीं नील, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं अंदर, एंड विशिंग अ वेरी हैप्पी एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू। ठीक है, तुम्हें जाना है ना, तुम जा सकते हो, लेकिन डीडी तुम्हारे साथ में जाएगा। एक बार पहले भी मैं तुम्हें खो चुका हूं, लेकिन अब बच्चे की वजह से तुम्हारी जान खतरे में है, और तुम्हें कुछ ना हो ये मेरी जिम्मेदारी है। अब जूही, नील ठीक कह रहे हैं, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो नील अपने आप को जिंदगी भर कोसेगा। मान जाओ अब नहीं, लेकिन प्लीज जूही, हमने तुम्हारी बात मानी ना, अब तुम भी हमारी बात मान जाओ। पता लगा ये कहाँ है ये दोनों। फोन कर रहा हूँ, उठा ही नहीं रहा है, मुझे लगता है बिजी होगा। मेहमान भी आने वाले हैं और ये दोनों तो। अरे आ गए, आओ, कहाँ रह गए थे? नील कहाँ था तू, कब से तुझे फोन ट्राई कर रहा हूँ। हमारा प्लान फेल हो गया, वो आदमी हमसे एक कदम आगे निकला, उसने जूही को चिट्ठी दी और। बच्ची का कुछ पता चला क्या? नहीं पापा जी, कुछ नहीं पता चला। वो आदमी तो अपनी माँ से भी तेज है, बहुत मुश्किल है उसे मारते। ऐसा नहीं है, हम इस बार हार गए, इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। उस बच्ची को हम बचा के रहेंगे, देख लेना तुम। जूही कहाँ है? वो तो तुम्हारे साथ गई थी ना। बेबे वो पास में मंदिर गई है, वो दीदी भी है उसके साथ, हमने उसे बहुत कहा कि हमारे साथ आ जाओ, पर वो राजी नहीं हुई। चलो अच्छा ही है ना, बेचारी ये सब कैसे देख पाती। तुम दोनों भी जाके तैयार हो, मेहमानों का आने का वक्त हो गया। और हाँ अपनी, हमने तुम्हारे लिए एक स्पेशल मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया है, अब जाओ जाके तैयार हो जाओ, मेरे कमरे में है वो। Mom, are you serious? Are you really serious? आपको अभी भी celebrations की पड़ी है, right? आपने सुना नहीं, हम बच्ची को वापस नहीं ला पाए। अरे सुन लिया है बाबा टिल्लू, मैंने सब कुछ सुन लिया है, जो हो गया वो हो गया, उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता ना। और उस बच्ची के लिए हम सब प्रार्थना करेंगे, इतने दिनों के बाद हमारे परिवार में खुशियां लौट कर आई हैं, इन खुशियों को ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं, सेलिब्रेशन तो हो के रहेगी। आपको जैसा सही लगे आप कर सकते हैं। तुम अपने आप से नाराज हो, उस बच्ची के लिए खुद को ब्लेम कर रहे हो तुम। एक बार मुझसे कहो तो, अगर ये पार्टी कैंसिल करवानी है तो मैं बात करूंगी मम्मी जी से। कोई जरूरत नहीं। नहीं मुझे सच में बुरा नहीं लगेगा अगर ये पार्टी कैंसिल भी हो गई तो। बुरा नहीं लगेगा, अगर मैं ना करूंगा तो मेरा पूरा परिवार घर सर पे उठा लेगा, और मैं किसी को भी नाराज नहीं कर सकता। मतलब सिर्फ घर वाले नाराज ना हो इसलिए तुम ये पार्टी में खुश होने का नाटक करोगे, तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है। अवनी तुम मुझसे क्या चाहती हो यार,
मेरे ना करने से कुछ कैंसिल नहीं होने वाला, तो बेहतर ये होगा कि जो भी हो रहा है उसे चुपचाप खड़ी होकर देखते रहो। एंड दैट्स इट।